लीडर खुद आता है नीचे देखने के लिए कि कौन कौन सा बंदा काम मुल्तान में कौन सा काम का है, कौन कहाँ काम का, नजर रखता है वो सबके ऊपर, इसको चूज करो, इसमें ये कुछ बनेगा, ये कुछ बनेगा, ये कुछ बनेगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हिजरत कर रहे रास्ते में एक जगह रुके हुए, बहुत प्यास थी, एक बच्चा था उसके पास कुछ ऊंटनी है बकरियां थी, आपने कहा दूध दोगे, छोटा सा बच्चा था, उसे मिजाज दिखा दिया गया, हम अपने मालिक से पूछे बगैर नहीं दे सकते। अल्लाह के नबी ने अबू बकर को कहा बच्चे में दम है, अगर आज इतना खुददार है दूध के पीछे, अगर कलमे के साथ जुड़ गया तो एंड तक लड़ेगा। ये इसको स्कोर करो, लीडर 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 हुकूमत खुद आती है अपने कौम में टैलेंट देखने, लीडर खुद आता है नीचे देखने के लिए कि कौन कौन सा बंदा काम मुल्तान में कौन सा काम का है, कौन कहाँ काम का, नजर रखता है वो सबके ऊपर, इसको चूज करो, इसमें ये कुछ बनेगा, ये कुछ बनेगा, ये कुछ बनेगा। कौन थे वो छोटे से बच्चे पता है? अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह, कूफे का गवर्नर भी बना, फिका हनफी को निस्बती सारी इब्ने मसूद रजी अल्लाह के सबसे जलीलुल कदर फकी सहाबियत है। आपकी इन्वेस्टमेंट, लीडर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट हर जगह करता रहा, उसके रिटर्न आते हैं 20-25 साल के बाद देखी जाएगी। ये छोटे छोटे पौधे आप सुन के कितने थे, इब्ने अब्बास का सिर्फ एक ही काम था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजत के लिए जाना सर लोटा पकड़ के खड़े होते, उस लोटे पकड़ने के अंदर उसने आपको सल्लम से पूरी पूरी तफसीरें 30 बार अगर किसी ने कुरान हर्फ बाय हर्फ रिपीट किया है ना आपको सल्लम के आगे, इब्ने बात ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है थी ना, आज इब्ने बात की तफसीर छोड़ के कुरान की कोई तफसीर ही नहीं कर सकता। मैं अब्दुल्ला बिन उमर भी छोटे थे, अब हजरत उमर के बेटे, उन्होंने ही बड़ा वक्त लगाया आपको सल्लम, ये खिदमत करते थे, आज हम बहुत सिखाए हैं, बहुत बड़े मौते थे।